हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप वाटर कलर से डियर बनाएंगे। सो फर्स्ट डियर बनाने के लिए हमें उसका स्केच बनाना है। स्केच बनाने के बाद हम उसके ऊपर एकदम लाइट वॉश अप्लाई करेंगे, क्योंकि वाटर कलर में हमें लेयर आफ्टर लेयर अप्लाई करना पड़ता है। रेफरेंस इमेज को फॉलो करते हुए मुझे इस इमेज में डियर के सिर के ऊपर हल्का ब्लू कलर दिख रहा है और पीठ के ऊपर हल्का पर्पल कलर। वॉश करने के बाद हम सेकंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप में हम डियर के कान के ऊपर करेंगे। ईयर में भी हमें लेयर आफ्टर लेयर अप्लाई करना है। फर्स्ट हमें हल्का लाइट येलो ऑकर लेयर अप्लाई करना है। येलो ऑकर अप्लाई करने के बाद हमें बंट अंबर अप्लाई करना है। हमें लाइट एंड शेडोज को ध्यान में रखते हुए हर कलर को अप्लाई करना है।
फिर जैसे हमने पहले वाले ईयर को कलर किया, वैसे ही हमें दूसरे वाले ईयर को भी कलर करना है। फेस कंप्लीट होने के बाद हम डियर के बॉडी के ऊपर काम करेंगे। बॉडी में भी सेम लेयर आफ्टर लेयर अप्लाई करना है। फर्स्ट हमें लाइट येलो आउटर लेयर अप्लाई करना है। येलो कलर अप्लाई करने के बाद हम बन नंबर अप्लाई करेंगे। इमेज को देखते हुए
बैकग्राउंड के बॉटम पार्ट को हम एमरल्ड ग्रीन का वॉश करेंगे। बॉटम पार्ट वॉश होने के बाद हम टॉप पार्ट को वॉश करेंगे। So this is the final result. Thanks for watching my channel. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना।